मॉर्निंग स्टूडेंट, तो मैं 2023 डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया था उसका मैं आंसर देने जा रहा हूँ। देखिए, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय, पोलर और नॉन पोलर। तो देखिए, HCl जो है से पोलर है, HF, NH3, H2O ये सारा पोलर है, ध्रुवीय है। और अध्रुवीय कौन कौन है इसमें, तो PH3 या ध्रुवीय है, H2S अध्रुवीय है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें किसमें था, तो HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर इसके बाद जो है से H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बंधन नहीं है, वह HCl है, PH3 है और H2S, इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं है। और एक क्वेश्चन जो है से आप लोग के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ कल के लिए, कि देखिए H3PO4 है, H3PO2 है, H3PO2 है, अब PO3 है। देखिए सब सारा लिखा हुआ है, H2SO4 है, HCl है, H2CO3 है और H2O3 है। में मोनोबेसिक एसिड, द्विभाषमिक अम्ल यानी डायबेसिक एसिड तथा त्रिभाषमिक अम्ल यानी ट्राइबेसिक एसिड की पहचान करना है कि कौन एक भाषमिक है, कौन द्विभाषमिक है और कौन त्रिभाषमिक अम्ल है। इस तरह से जो है से इसकी पहचान करना है। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हम बताते हैं कि ध्रुवीय और अध्रुवीय के लिए जो है से देखिए, फोन FOHN से बना यौगिक जो है ना, वह जो है से ध्रुवीय होता है। तो देखिए, वहाँ पर HCl है तो वह अपवाद में है, HF है तो देखिए H और F से बना है, और इसके बाद NH3 है तो N और H से बना है, H2O है, तो ये सब सारा ध्रुवीय है, बाकी अध्रुवीय है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, कि H चाहिए और प्लस FON में से कोई, तब तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। तो जैसे देखिए, इस सब में जो है से हाइड्रोजन बॉन्ड है, एच है, तो एच जरूरी है, एच जरूर चाहिए, आ इसमें से कोई चाहिए, तो देखिए एफ है, एच जरूर है, इसमें से देखिए एन है, एच जरूर है, इसमें से देखिए ओ है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।